ओके ममता के लिए अपने हाथों को उठाओ, धन्यवाद दो परमेश्वर को। ये गवाही जो बताने जा रही है और तमाम लोग जितने मेरे साथ लाइव हैं, इस बहन की गवाही बहुत ही स्ट्रॉन्ग गवाही है और ये जिंदा गवाही है। बोलो जीवित गवाही है, जीवित गवाही है। और इस गवाही का जलाल, इस गवाही की महिमा यीशु मसीह को जाए। आमीन। आमीन। हाँ मेरी बहन बताइए, क्या आपकी गवाही क्या है मेरी बहन? जो मेरे हस्बैंड का केस चल रहा था 8 साल से, 307 का केस चल रहा था, तो उसका लास्ट होने वाला था फाइनल उसका। तो मैंने प्रभु के दास से कहा कि मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करें तो उनका केस मेरे फेवर में हो जाए। तो प्रभु के दास ने हमारे लिए प्रार्थना करी और केस हम लोग जीत गए। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि 307 केस जो होता है, मैं बताना चाहता हूँ वो, मतलब परमेश्वर ने देखो, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर से माफी मांगी। क्या मांगी? माफी। तो परमेश्वर हमसे गलती हुई और हमसे जो भी कुछ हम पे झूठा आरोप लगा या ब्लेम लगा, परमेश्वर झूठे आरोप से हमें बचाए। परमेश्वर झूठे आरोप से हमें बचाता है। हालेलुया। हालेलुया। और अगर हम अपने कसूरों को मान लेते हैं, परमेश्वर उन कसूरों से हमें आजाद करता है। हालेलुया। हालेलुया। और इस बहन ने अपने हर गलतियों को माना, परिवार ने माना और प्रभु ने इनको आजाद किया। हालेलुया। 8 साल के केस से इनके हस्बैंड, आपके हस्बैंड का नाम क्या है मेरी बहन? विशाल। विशाल, परमेश्वर इस बहन के हस्बैंड को आजाद किया। अपने हाथों को उठाओ, बोले परमेश्वर भी हमें, बोले परमेश्वर भी हमें आजाद करे कई ऐसे केसों से जो हमारी जिंदगी में है। पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में आशीष लेके आए, बरकत लेके आए। जोर से ताली बजाओ उस गवाही के लिए। उस गवाही क्यों ले रहे हैं पता आपको? कितने लोगों को पता है गवाही क्यों ले रहे हैं हम? ये वीडियो गवाही क्यों ले रहे हैं हम? ताकि दूसरे लोग देख के प्रेरित हो, ताकि दूसरे लोग जाने कि हमारा यीशु मसीह जिंदा है, ताकि हमारा यीशु मसीह जिंदा है। ये गवाही किसी मिनिस्ट्री को महिमा देने के लिए नहीं है, किसी सेवक को ऊंचा करने के लिए नहीं है, मगर एक ही को ऊंचा करने के लिए, वो है यीशु मसीह। बोलो यीशु मसीह। यीशु मसीह। ताकि प्रभु अपने दासों के द्वारा जो मुंह से बातें निकलती है उसको पूरा करे। हालेलुया। तो आज इस बहन की गवाही के द्वारा प्रभु ने आशीष किया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू मेरी बहन। प्रभु आशीष करे। बैठ जाइए।